बार दिल ये गाए, I don't.
देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं अभी तक की प्रमुख खबरों की तरफ। आक्रोशित आदिवासी समुदाय की महिलाओं ने की शराब की दुकान में तोड़फोड़। बता दें कि बमोरी थाना क्षेत्र के कॉलोनी गांव में आदिवासी महिलाओं ने एक शराब की दुकान में तोड़फोड़ कर शराब बाहर फेंक दी। महिलाओं का आरोप है कि घर के पुरुष दिन भर शराब पीते हैं एवं शराब के नशे में उनसे मारपीट करते हैं। हालांकि स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जैसे तैसे मामले को शांत कराया। बमोरी से अनवर खान की रिपोर्ट। सकल दिगंबर जैन समाज के तत्वाधान में त्रिमूर्ति कॉलोनी स्थित चंद्रप्रभु जिनाले में चल रहे 1008 श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आज समापन हुआ। इस मौके पर विश्व शांति और सर्वृष्टि की कामना के साथ महायज्ञ में पूर्ण आहुति दी गई। इसके पूर्व प्रातः भगवान जिनेन्द्र की शांति धारा अभिषेक उपरांत पूजन हुई। तत्पश्चात विधान में बने इंद्र इंद्राणियों द्वारा प्रतिष्ठाचार्य पंडित उदय चंद्र शास्त्री जी के मंत्रोच्चार के साथ हवन में विश्व शांति और सविष्टि की कामना करते हुए पूर्ण आहुति दी गई। इस मौके पर भगवान को रजत रथ में विराजमान कर चंद्र प्रभु जिनाले से श्री जी का एक भव्य शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई। जुलूस सलीम की बाड़ी, कोलूपुरा रोड, शिवाजी नगर, सिसोदिया कॉलोनी रोड, दुर्गा कॉलोनी, प्रताप छात्रावास रोड होते हुए पुनः चंद्रप्रभु जिनाले पहुंची। इस मौके पर जैन श्रद्धालुओं द्वारा अपने घरों एवं प्रतिष्ठानों के आगे रंगोली सजाई गई और विमान के आने पर श्री जी की आरती उतारी गई। जुलूस का शहर में जगह जगह भव्य स्वागत भी हुआ।
जुलूस में सबसे आगे बैंड धर्मध्वजा के साथ साथ युवा चल रहे थे। उनके पीछे केसरिया साड़ी में महिलाएं सिर पर कलश धारण कर चल रही थी। चंद्रप्रभु जिनाले पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रतिष्ठाचार्य उदय चंद्र शास्त्री जी ने सिद्ध चक्र महामंडल विधान की महिमा बताते हुए कहा कि इस विधान में सिद्ध भगवानों की संपूर्ण आराधना की जाती है। विधान के प्रतिदिन प्रातः श्री जी का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होती है। दोपहर में विधान आरंभ होता है, जिसमें भगवान की आराधना में इंद्र इंद्राणियों द्वारा भक्ति करते हुए अर्ध चढ़ाए जाते हैं। वहीं रात्रि में प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजन होता है। त्रिमूर्ति मंदिर पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन 1 तारीख से 9 तारीख तक पंडित उदय चंद्र शास्त्री के द्वारा किया गया। उसके आज समापन पर श्री जी की शोभा यात्रा पूरी कॉलोनी में निकाल के उसका समापन आज होगा त्रिमूर्ति मंदिर पर। गायत्री शक्तिपीठ पर हुआ गुरु पूर्णिमा महोत्सव संपन्न। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में आज रविवार को सुबह से ही गायत्री शक्तिपीठ पर 5 कुंडीय यज्ञ और संस्कार कराया गया। साथ ही 11 बजे गुरु पादु का पूजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राजेंद्र सिंह सलूजा उपस्थित रहे। वहीं 1 माह से चले आ रहे योग शिविर में जिन लोगों ने भाग लिया था एवं प्रशिक्षण प्राप्त किया था उनको प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। साथ ही गायत्री परिवार द्वारा अखिल विश्व शांति के लिए सभी को सामूहिक रूप से 9 वर्ष तक आराधना करने का भी संकल्प दिलाया गया। जब लास्ट में युधिष्ठिर पांडव और सारे लोग बातचीत करते हुए आ रहे थे तो युधिष्ठिर कह रहे थे आज गायत्री शक्तिपीठ पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया, जिसमें कल से 12 घंटे का जप रखा गया, जिसमें विभिन्न श्रद्धालुओं ने उसमें जप किया। साथ ही आज 5 कुंडी यज्ञ का आयोजन किया गया। साथ ही 1 महीने से जो अंतर्राष्ट्रीय योग शिविर जो लगाया गया था गायत्री परिवार द्वारा पूरे जिले में 4 तहसील में, आज उसको जिन प्रशिक्षणों को प्राप्त हुआ उनको यहाँ प्रमाण पत्र भी दिया। साथ ही गुरु पूर्णिमा उत्सव में आज सभी ने यहाँ यज्ञ किया और 9 वर्ष तक चलने वाला माँ भगवती देवी महापुरुषार्थ अभियान की आज से शुरुआत है। साथ ही युवा प्रकोष्ठ द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम की आज शुरुआत की गई है। साथ ही सभी श्रद्धालुओं से गायत्री शक्तिपीठ पर पधारे, सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत किया गया और सभी को भोजन प्रसाद के लिए आमंत्रित किया गया। सभी से धर्म लाभ लेने की अपील भी की गई थी। गायत्री शक्तिपीठ बिना सुने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मनाया 68वां स्थापना दिवस। इस उपलक्ष्य में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने एक वाहन रैली का आयोजन भी किया, जो स्थानीय पीजी कॉलेज से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः पीजी कॉलेज में संपन्न हुई। तत्पश्चात कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रांगण में वृक्षारोपण किया एवं स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। हाँ बताएं। छात्र दो में एवं राष्ट्र दो में सदैव सक्रिय छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गुना नगर के कार्यकर्ताओं द्वारा एक भव्य वाहन रैली का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। 9 जुलाई 1949 को विद्यार्थी परिषद का जो स्थापना हुई थी, आज उसका 68वां वर्ष यहाँ पर हम लोग मना रहे हैं और ये वाहन रैली हम यहाँ पीजी कॉलेज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से चालू करेंगे, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई पुनः यहाँ पर पधारेगी, जहाँ पर हम कॉलेज के अंदर वृक्षारोपण करेंगे एवं स्वामी विवेकानंद जी का माल्यार्पण करके जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं इस कार्यक्रम का यहाँ समापन करेंगे। फीस वृद्धि के खिलाफ छात्र संगठन DSO ने
सांसद के नाम कांग्रेस जिलाध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। गौरतलब है कि पिछले कई हफ्तों से डीएसओ लगातार फीस वृद्धि को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। साथ ही डीएसओ के कार्यकर्ताओं ने बताया कि आगामी 11 जुलाई को वो बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट भवन पहुंचकर कलेक्टोरेट का घेराव भी करने वाले हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पर सांसद के नाम पर सांसद प्रतिनिधि जिलाध्यक्ष को यहाँ फीस वृद्धि के खिलाफ में एक ज्ञापन दिया। हम लोग जो आंदोलन एक पिछले दो हफ्तों से लगातार चलाया जा रहा है, जिसमें अलग अलग क्रम दर क्रम ये चीज़ें ली गई हैं, जिसमें हम लोगों ने स्टूडेंट चैन बनाई, पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हज़ारों हज़ार पोस्ट कार्ड हमने कलेक्ट्रेट में पोस्ट किए हैं। इतने सारे छात्र, इतने सारे लोग इसके खिलाफ में हैं, फीस वृद्धि के खिलाफ। कई सारे आम नागरिकों ने, हम लोगों ने एक बड़े फ्लैक्स पे सिग्नेचर करवाया जो फीस वृद्धि के खिलाफ में है और आंदोलन के समर्थन में। इस तरह से ये चल रहा है और ये आंदोलन आगे भी बढ़ेगा। 11 तारीख को छात्र एक बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट जाएंगे, कलेक्ट्रेट का घेराव होगा। वो एक आंदोलन की तरफ जो एक गैर जिम्मेदार रवैया जो प्रशासन अपना रहा है, इसके खिलाफ में आंदोलन लगातार आगे बढ़ेगा और 11 को एक बड़ा छात्र सैलाब कलेक्ट्रेट पहुँचेगा और उस आंदोलन को हम लोग परिणति तक पहुँचा कर ही रहेंगे। छात्र संगठन NSUI ने गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर किया गुरुओं का सम्मान। NSUI कार्यकर्ताओं ने आज शहर भर के शिक्षकों के पास पहुंचकर उनका टीका एवं माल्यार्पण कर सम्मान किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में NSUI कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व के उपलक्ष पर शहर के सभी टीचर्सों को, गुरुजनों को आज NSUI द्वारा सम्मानित किया गया माल्यार्पण करके। सम्मान तो खैर सदैव प्रत्येक दिन प्रत्येक पल गुरुजनों का रहता है हृदय में, लेकिन आज ये विशेष पर्व के उपलक्ष पर आज हमने माल्यार्पण कर टीका लगा के गुरुजनों का सम्मान किया। और हम एक संदेश NSUI के माध्यम से देना चाहेंगे समस्त जनों को कि गुरुजन जो होते हैं, कुछ भी हो, कलेक्टर हो, SP हो, कमिश्नर हो, कोई भी नेता हो, चाहे कोई भी हो, बिना गुरुजन के सब कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सब में सबको बनाने वाला गुरु है, तो हमें सदैव गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। और समस्त गुरुजनों से हमारा अनुरोध है कि कभी अनजाने में हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो हम आपसे हृदय से क्षमा मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं। धन्यवाद। आज फिर हुआ स्मृति वन में पौधारोपण का कार्यक्रम। आज के इस आयोजन की अगुवाई कर रहे एडवोकेट पुष्पराज शर्मा ने डीजियाना न्यूज़ को बताया कि आज विभिन्न संगठनों ने पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही कुछ मित्रों ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में भी आज स्मृति वन में वृक्ष लगाए। स्मृति वन पिछले साल से लगातार पौधरोपण कार्यक्रम चल ही रहा है, पर बारिश के आने के पहले, बारिश के दौरान ये थोड़ा सा ज़्यादा घनीभूत हो जाता है। इस बार हमने पिछले हफ्ते से चालू किया इसको और लगातार अलग अलग संस्थाएं आकर जाति, धर्म, मजहब के बंधनों को तोड़कर यहाँ पर इकट्ठे होकर और ये वृक्षारोपण कार्यक्रम होता है। आज क्षत्रिय समाज, DAPS स्कूल ने इस पूरे कार्यक्रम को लीड किया, साथ में तमाम सारे वे लोग भी थे जिनके आज बर्थडे हैं, उनके बर्थडे हम मनाए हैं। और इस तरह से पिछले साल के पौधों की जो प्रोग्रेस आज इस शहर के और समाज के सामने है, उसने उत्साहित किया है कि हम इस बार और बढ़ चढ़ कर इस जगह पर पेड़ लगा कर और इसको वाकई ये घने जंगल के रूप में विकसित करें। दार अल अकरम पब्लिक स्कूल के बच्चों ने किया स्मृति वन में पौधारोपण। आज रविवार सुबह तड़के सिंहवासा स्थित स्मृति वन में DAPS के बच्चों ने पहुंचकर अपने नन्हे नन्हे हाथों से कई पौधे लगाए एवं पर्यावरण की सुरक्षा का संकल्प भी लिया। इन बच्चों के साथ स्कूल प्रिंसिपल अतीक कुरैशी व समस्त स्टाफ भी मौजूद रहा। वहीं प्राचार्य कुरैशी ने बताया कि वे अक्सर बच्चों को इस प्रकार के कार्यक्रम में सम्मिलित करते हैं, साथ ही उन्हें
पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कई गुर भी सिखाए जाते हैं। वहीं बच्चों ने भी यह संकल्प लिया कि वे हर उस कार्य से बचेंगे जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। बच्चों के अंदर एक ऐसी वो पैदा हो जाए अंदर, बच्चे हमारे स्कूल के DAPS के बच्चे जो आए हैं इनके अंदर भी एक ऐसी भावना पैदा हो कि बच्चे प्लांटेशन करें और पौधे लगाएं, जिससे उनके अंदर इस बात की कि आगे चल के फ्यूचर में भी हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारी जो हमारा जंगल है वो ख़त्म हो रहे हैं, उनके लिए कुछ बच्चों को ऐसा प्रोत्साहन मिले कि बच्चे हमारे धीरे धीरे इस चीज़ को पसंद करें कि नहीं प्लांटेशन ज़रूरी है, पेड़ पौधे ज़रूरी है, प्रकृति के नियम के लिए हमारे लिए प्रकृति के लिए ज़रूरी है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बच्चों को हम लाते हैं, कई पिछले साल भी हम लोग लाए थे यहाँ पे वृक्षारोपण के लिए, तो बच्चे आए थे, प्लांटेशन बच्चों ने किए थे और सारे बच्चे और टीचर्स भी हमारी इस चीज़ को लेके स्कूल के अंदर भी हम इस चीज़ को उन बच्चों के अंदर मोटिवेट करते रहते हैं बार बार कि ये सब चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है। राधोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह के जन्मदिन के अवसर पर राधोगढ़ में विधानसभा स्तरीय मैराथन का आयोजन हुआ। यह मैराथन ग्राम धीरपुर से शुरू होकर राधोगढ़ स्थित कोटीबाग गार्डन पर संपन्न हुई। इस मैराथन में लगभग 3400 युवक एवं युवतियों ने हिस्सा लिया। इस मैराथन को जीतने वालों के लिए प्रथम पुरस्कार 25,000, द्वितीय पुरस्कार 15,000 एवं तृतीय पुरस्कार 11,000 रखा गया था। उक्त पुरस्कार राशि महिला एवं पुरुष वर्ग के लिए अलग अलग थी। वहां इस मैराथन को सर्वप्रथम समाप्त कर जीतने वाली लड़कियों में खैराई की रानी यादव प्रथम स्थान पर रहीं, जबकि विरोधिया की संजू केवट दूसरे स्थान पर एवं रुठियाई की प्रिया मीना तीसरे स्थान पर रहीं, जबकि युवकों में प्रथम स्थान पर शाले ग्राम के पंकज रघुवंशी रहे, वहीं द्वितीय स्थान पर NFL के रंजीत सिंह व तृतीय स्थान पर बजरंगगढ़ के बबलू बंजारा रहे। विजेताओं को पुरस्कार वितरण करने के लिए विधायक जयवर्धन सिंह, पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। डीजीएनएन न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए।
बार बार दिल ये